हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो वो 90% ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और ये जो इसका जो लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसका आपका 17 दिसंबर को आपका लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, और ये पूरे 3 महीना में एग्ज़ाम इसका ख़त्म होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि स्टूडेंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर आए हुए हैं, मेरे इतने नंबर आए हुए हैं, तो उसके अनुसार और जो हमने वोट्स किए थे उनके अनुसार अब हम जो कटअप लाने वाले हैं वो 100% नहीं तो 90% तो एक्यूरेट होने वाली है, क्योंकि यही कटअप रहेगी अब। क्योंकि अब किसी का शिफ्ट हार्ड हो रहा तो किसी का शिफ्ट इजी हो रहा, तो उसके अनुसार ही अब कटअप होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो आपका कटअप रहेगा वो कितना रहेगा, जनरल का कितना रहेगा, और जिनका इजी शिफ्ट था, हार्ड शिफ्ट था, उनका भी कैसा कटअप रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी मिले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए जैसे कि हम लोग पहले देखते हैं कि जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है वो आपका 17 दिसंबर को खत्म होने वाला है, और ये जो एग्जाम है आपका वो पूरे 3 महीना में खत्म होगी, ठीक है। मतलब लगभग 3 महीना आपका पूरा एग्जाम चलेगी ये एग्जाम। अभी तो 90% ख़त्म हो चुकी है, 17 दिसंबर को आपका ये ख़त्म होगी, मतलब ये 2 महीना और समथिंग कुछ दिन ये ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। अब ये दूसरा जो हम लोग का मेन इंपॉर्टेंट बात है कि क्या आपका शिफ्ट हार्ड था या आपका शिफ्ट इजी था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बता रहे हैं कि सर मेरा इस शिफ्ट को इजी था, ये शिफ्ट को हार्ड था, ठीक है। तो इसके अनुसार ही आप कटअप जो होगा नॉर्मलाइजेशन होगा, उसी के अनुसार ही आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। ग्रुप डी एग्ज़ाम में तो नॉर्मलाइजेशन 100% नॉर्मलाइज होगा, जो कि आप लोगों ने देखा कि एलपी का जो रिजल्ट है उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्योंकि उसी में जो आपका हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट उसी में भी था, तो इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन 100% नॉर्मलाइजेशन होगा, तो इसमें आपका कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सेकंड, स्टूडेंट अगर बात करें हम लोग अटेंडेंस की, तो कोई भी एग्ज़ाम चाहे कोई भी इंडिया में एग्जाम हो उसमें आपका 100% अटेंडेंस नहीं होता है, ठीक है। 100% तो अटेंडेंस होता ही नहीं है। तो आपका अगर ग्रुप डी का बात करें तो ग्रुप डी में जो आपका अटेंडेंस है टोटल आपका 60% अटेंडेंस है, ठीक है। 60% अटेंडेंस है, मतलब 40% लड़कों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। कितना? 40% लड़कों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब 80 लाख लड़कों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो अगर हमारा जो फॉर्म फिलअप हुआ था 2 करोड़ हुआ था, ठीक है, 2 करोड़ में अगर 80 लाख हम माइनस करें तो 1 करोड़ 20 लाख स्टूडेंट का ही, मतलब जो रिजल्ट आने वाला है 1 करोड़ 20 लाख का ही रिजल्ट आने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 1 करोड़ 20 लाख जो स्टूडेंट होते हैं कोई, मतलब टोटल स्टूडेंट वैसे नहीं होते हैं कि जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है। प्रिपरेशन करने वाले मात्र 70 से 80 लाख, उतना भी नहीं तो 50% ही लड़के जो होते हैं वो प्रिपरेशन करते हैं, जो सीरियस रहते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपका जो ये आपका जो फाइट होने वाला बस वही 50% लड़कों के साथ ही होने वाला है। अगर 50% देखें तो आपका 50 लाख 60 लाख लड़कों के बीच ही आपका जो ये होगा कटअप होगा, मतलब फाइट होगा, वो उसी के अनुसार बनेगा, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि आपका शिफ्ट जो इजी रहा था या हार्ड रहा था, ठीक है। तो आप बता दें कि जो जिन लोगों का हार्ड शिफ्ट था, ठीक है, जिन लोगों का हार्ड शिफ्ट था उसका अगर जनरल के कटअप बात करें तो वो 50 से 60 आपका कटअप रह सकता है, 50 से 60 मात्र। और ध्यान रहे, ये जो कटअप बता रहे हो नॉर्मलाइजेशन से पहले हम बता रहे हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन से पहले ये कटअप है, लेकिन जिसका हार्ड शिफ्ट था वो उसी के बाद बात कर रहे हैं, ठीक है, 50 से 60। और जो SC ST कैटेगरी के आते हैं उनके 3 नंबर माइनस कर दे, ठीक है, 3 नंबर माइनस कर दे, तो जिसे आते हैं तो 47 से 50 आपका जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है। अगर बात करें OBC के लिए तो जो 52 से 55 इनका कटअप रहेगा, जो हार्ड शिफ्ट वाले हैं, ठीक है। और जो X और PH कैटेगरी की जो आते हैं उनके लिए 42-45 आपका कटअप रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं AG शिफ्ट वालों के लिए, तो इजी शिफ्ट का जो देखिए आपका कटअप रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए वो आपका 55 से 72। देखिए यहाँ पर कटअप कितना भाग रहा है आपका, मतलब यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कि आपका जो शिफ्ट है वो इजी था या हार्ड था। तो अगर इजी शिफ्ट है तो आपका कटअप देखिए कितना भाग सकता है, मैक्सिमम आपका 72 जा सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 72 जा सकता है। और अगर 72 आ रहा है तो मतलब आपका इजी शिफ्ट रहा होगा, कहीं ना कहीं इजी शिफ्ट रहा होगा आपका। और अगर SC ST बात करें तो आपका 50 से 60, अगर मैक्सिमम बात करें तो 60 और मिनिमम बात करें तो 50 ही रहेगा, यही कटअप रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये नॉर्मलाइजेशन से पहले के हम बात कर रहे हैं, और ये पूरा जो आपका ऑल ओवर बता रहे हैं, ठीक है, कोई जोन के बारे में नहीं बता रहे, जोन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
तो ओबीसी के बारे में अगर बात करें तो 58 से 65 इनका कटअप रहने वाला है, और पीएच और एक्स सर्विसमैन का अगर बात करें तो इनका 42-50 रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप बात करें हम पूरा अगर जोन वाइज बात करें, ठीक है, टोटल जोन वाइज की अगर बात करें जो 17 जोन है उनके बारे में हम कटअप बात करें तो आप चंडीगढ़, चंडीगढ़ हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में आपका जो कटअप है सबसे हाई रहने वाला है, ठीक है, चंडीगढ़ सबसे हाई रहने वाला कटअप, मतलब आपका जो चंडीगढ़ जिन्होंने भरा है वो बहुत डेंजर जोन में भरा हुआ है, ठीक है। और अगर सबसे जो कम जिसमें कटअप जाने वाला उनकी बात करें तो बिलासपुर, आपका बिलासपुर में सबसे कम कटअप जाने वाला है, ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रहना चाहिए। तो अगर चंडीगढ़ की हम लोग बात करें तो जनरल कटअप, जनरल कैटेगरी की जो कटअप जाने वाला वो 68 जाने वाला है, और ओबीसी का 65 जाने वाला है, एससी और पीएच की बात करें तो 60 जाने वाला, और जो एसटी और एक्स सर्विसमैन का वो 55। अब देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में कितना ज़्यादा कटअप है, लेकिन हाँ ध्यान रहे दोस्तों ये जो कटअप है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद हम बता रहे हैं, वो जो आपको इजी और हार्ड शिफ्ट वाले में बताएं वो आपके नॉर्मलाइजेशन से पहले बता, लेकिन ये जो कटअप है आपका ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हम जो कटअप बनेगा वही कटअप हम बता रहे हैं, ये जो कटअप है, ठीक है, ये मतलब आपका कटअप नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपका ये कटअप बनेगा। तो अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 68 और ओबीसी का 65, एससी और पीएच कैटेगरी की बात करें तो 60 और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 55, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलाहाबाद, जो सेकंड हाईएस्ट कटअप जाने वाला है वो आपका इलाहाबाद में जाने वाला, मैंने जो सीक्वेंस वाइज आपको बना के दिया हुआ है कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए इलाहाबाद में जो आपका जनरल कैटेगरी जाने वाला है वो आपका 66 जाने वाला है, ठीक है, ओबीसी की बात करें तो आपका 64 जाने वाला, और एसटी और पीएच का जो आपका जाने वाला है वो आपका 59, और आपका एसटी और एक्स सर्विसमैन का जाने वाला आपका 52, एससी और पीएच का आपका 59 जाने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं गोरखपुर, तो गोरखपुर में जो आपका जनरल कैटेगरी जाने वाला है वो आपका 65 जाने वाला है, ठीक है, और जो आपका ओबीसी का जाने वाला है वो 61 जाने वाला है, और अब अगर बात करें एससी और पीएच कैटेगरी का तो 55 जाने वाला है आपका कटअप, ठीक है, और आपका जो एसटी और एक्स सर्विसमैन जो आते हैं उसका 47 जाने वाला है। फिर बात करते हैं अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद की अगर बात करें तो आपका जो जनरल कैटेगरी का जाने वाला कटअप वो आपका 67, ठीक है, 67। तो हम लोग बात कर रहे थे अहमदाबाद के बारे में, ठीक है, तो अहमदाबाद में जो ओबीसी का कटअप जाने वाला वो आपका 63 जाने वाला है, ठीक है, और जो आपका एससी और पीएच का, एससी और पीएच का आपका 61 जाने वाला है, और आपका जो एसटी और एक्स सर्विसमैन आते हैं उनके उनके लिए 49 जाने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिकंदराबाद, ठीक है, तो सिकंदराबाद में आप देख रहे हैं कि कटअप कितना हाई गया हुआ है, मतलब जो एलपी का एग्जाम है उसमें भी आपका बहुत हाई रहा था, और इसमें भी जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम इसमें भी आपका हाई ही रहेगा, ठीक है, तो जो सिकंदराबाद है वो भी आपका एक डेंजर जोन में भी आता है। तो सिकंदराबाद में जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए अगर कटअप की बात करें तो उनका 70 जाने वाला, और आपका ओबीसी का 65, ठीक है, और आपका जो एससी और पीएच कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 58, और एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 52। फिर बात करते हैं अजमेर के बारे में, तो अजमेर का जो हमारा जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60 कटअप जाने वाला है, और आपका जो ओबीसी है उसके उनके लिए 57, और एससी और पीएच कैटेगरी के लिए 53, और एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 48, ठीक है। फिर बात करते हैं भोपाल, तो भोपाल का जो हमारा जनरल कैटेगरी का 61, ठीक है, और ओबीसी का 56, और एससी और जो पीएच कैटेगरी आते हैं उनके लिए 52, और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 47 जाने वाला है कटअप, ठीक है। अब बात करते हैं मुंबई, तो मुंबई में हमारा जो जनरल कैटेगरी के लिए 68 और ओबीसी के लिए 65, ठीक है, एसटी और पीएच के लिए 60, और आपका जो एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए उसके 50, ये आपका एससी के लिए, ठीक है, एससी और पीएच के लिए। फिर बात करते हैं चेन्नई, तो चेन्नई में हमारा जो जनरल कैटेगरी आते हैं उनके लिए 56, ठीक है, और ओबीसी के लिए 54, और एससी और पीएच कैटेगरी जिनके जो आते हैं उनके लिए 48, और आपका जो एसटी और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 41। अब जो बात करते हैं सबसे कम कटअप जाने वाला जोन जो कि है बिलासपुर, तो बिलासपुर में हमारा जनरल कैटेगरी के लिए जाने वाला है 50, ओबीसी के लिए 48, ठीक है, और आपका जो एससी और पीएच कैटेगरी आते हैं उनके लिए 40, और आपका जो एसटी और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 40, ठीक है। फिर आता है कोलकाता, तो कोलकाता में हमारा जो जनरल कैटेगरी का कटअप जाने वाला है 65, ओबीसी के लिए 60, और आपका एससी और पीएच कैटेगरी के लिए 55, और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 47, ठीक है। और रांची की बात करें तो रांची का जो जनरल कैटेगरी का जो कटअप जाने वाला 60, ठीक है, और आपका जो ओबीसी का कटअप जाने वाला 55,
और आपका जो एससी और एक्स सर्विसमैन का जो आते हैं एससी और पीएस कैटेगरी उनके लिए 51 और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 48। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पटना। तो पटना में जो जनरल कैटेगरी का जाने वाला हो 61 और जो आपका ओबीसी है उनके लिए 56 और एससी और पीएस जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 53। ठीक है, और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 44। उसी तरह आपका जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर का हम लोग बात करते हैं तो जो जनरल कैटेगरी का 54। ठीक है, और ओबीसी का 53 और एससी और पीएच कैटेगरी का बात करें तो 47 और एसटी और एक्स सर्विसमैन का 42। और गुवाहाटी भी एक बहुत ही कम कटअप जाने वाला जोन है तो उनके लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए आते हैं उनके लिए 53। ठीक है, एससी और एक्स सर्विसमैन का आपका 52, सॉरी ओबीसी का 50 है और आपका जो एससी और पीएच कैटेगरी आते हैं उनके लिए 48 और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन का 43। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो मैंने कटअप बताई है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उनके बाद ही ये कटअप आने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।